अगली खबर की रुख करते हैं जो बांदीकुई से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि बांदीकुई के अंदर आज 2 दिवसीय गणेशोत्सव का उद्घाटन कर दिया गया है और इसी दरमियान गणेश मंदिर के अंदर पूजा अर्चना भी की गई है। तो वहां पे क्या कुछ माहौल देखने को मिला, सीधा दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आज बांदीकुई में 2 दिवसीय गणेश महोत्सव का शुभारंभ हवन पूजन के साथ में शुरू किया गया है। गणेश मंदिर के महंत स्वामी रामानंद सरस्वती ने बताया कि गणेश महोत्सव में आज हवन पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आने की और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही महोत्सव को सफल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए बांदीकुई उपखंड अधिकारी नीरज मीना, बांदीकुई CEO उदय सिंह मीना, नगर पालिका प्रशासन ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बारे में आप बताइए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रिय सज्जन, बड़े हर्ष का विषय है, हम सभी क्षेत्रवासी, बांदीकुई वासी जितने भी हैं, सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि गणेश चतुर्थी के उपलब्ध में मैं स्वामी रामानंद सरस्वती महंत गणेश मंदिर और गणेश गौशाला, आप इस सभी को, बांदीकुई वासियों को, क्षेत्रवासियों को इस उपलक्ष्य की बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यहाँ पर गणेश महोत्सव पर 30 और 31 अगस्त 2 दिन का महोत्सव मनाया जा रहा है। आज ये महोत्सव यहाँ पर श्री गणेश अभिषेक, हवन और पूजा के साथ साथ शुरू हो गया है। ये उत्सव गणेश भगवान के यहाँ 2 दिन का है। इसमें आज और कल 30 और 31 अगस्त को संतों के प्रवचन होंगे, वो 11 बजे से लेके और 5 बजे तक होंगे। उसके बाद संध्या को भजन कीर्तन हमारे गांव की मंडलियों द्वारा अच्छा प्रस्तुत होगा, वो दोनों दिन और रात को चलेंगे। मुझे आशा है आप सभी लोग आएंगे, संतों के प्रवचन का लाभ उठाएंगे और भजन कीर्तन करके इस मंदिर को, गणेश भगवान के महोत्सव को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर बढ़ाएंगे। इसकी शोभा को, इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, गणेश महाराज की शक्ति को बनाए रखने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और यहाँ पर जिसको भी तन और मन से सहयोग करें, जन जन का सहयोग करें। हमें ये शरीर भैया संसार से मिला है और इसको संसार की सेवा में ही लगा देना इसका सबसे बड़ा मकसद है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सभी से आग्रह करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस महोत्सव का लाभ उठाएं, गणेश महाराज की गरिमा को बढ़ाएं। हम सब बांदीकुई वासी बहुत भाग्यशाली हैं। आज देखो बुधवार को गणेश चतुर्थी पड़ रही है, ऐसा शुभ अवसर कई सालों के बाद आया है और ये महोत्सव बहुत ही शुभ है।